नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जमशेदपुर के महिला थाना में महीनों तक चक्कर लगाने के बाद भी पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिलने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर एक सामाजिक संगठन ने एएसपी से शिकायत की है। बिरसा नगर जोन नंबर 5 की रहने वाली ममता ओझा विगत 3 महीने से पति के खिलाफ शिकायत लेकर महिला थाना का चक्कर लगा रही है, लेकिन न्याय दिलाने के बदले उसके साथ दुर्व्यवहार कर थाने से भगा दिया जाता है। उसने यह आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण समिति के महासचिव रानी गुप्ता के साथ एएसपी कार्यालय पहुंची और पति पर कार्यवाही सहित महिला थाना प्रभारी पर भी कार्यवाही करने की मांग की है। बता दें कि पीड़िता ममता ने बताया कि उसका विवाह 2019-20 में बड़ा घोरा के रहने वाले एकाची ओझा के साथ हुआ था। वे जमशेदपुर में होटल में वेटर का काम करता था। शादी से कुछ महीने तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद से उसका पति का व्यवहार में बदलाव आ गया। वह देर रात तक मोबाइल में किसी से बात करता था, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच अनबन होने लगी। इस बीच ममता के गर्भवती होने पर पति द्वारा अक्सर उसके साथ मारपीट करने के कारण उसका बच्चा भी खराब हो गया, जिसके बाद दोनों जमशेदपुर के बिष्टुपुर में आकर किराए के मकान में रहने लगे। यहाँ भी उसके साथ मारपीट किया करता था। इसी बीच एक दिन उसे छोड़कर वह वापस बड़ा घोड़ा अपने घर चला गया। पीड़िता भी अपने मायके बिरसा नगर आ गई, जिसके बाद पीड़िता ने महिला थाना में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए कार्यवाही करने की मांग की, लेकिन वह उसके साथ ही रहना चाहती थी, जिसको लेकर विगत 3 महीने से लगातार महिला थाना की चक्कर लगा रही है। पीड़िता का आरोप है कि हर बार थाने जाने पर उसे महिला थाना के स्टाफ और प्रभारी द्वारा दुर्व्यवहार करते हुए पति को छोड़ देने की बात कर वहां से भगा दिया जाता है। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण समिति के महासचिव रानी गुप्ता को होने पर वह पीड़िता को लेकर एएसपी कार्यालय पहुंची और पति सहित महिला थाना प्रभारी पर कार्यवाही करने की मांग की है। बता दें कि रानी गुप्ता ने कहा कि अक्सर महिला थाना प्रभारी के खिलाफ उनके पास शिकायत आ रही है, इसी वजह से उसने भी एक आवेदन देकर प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। जी, मैं ममता ओझा, मेरे पति एकादशी ओझा मुझे मारपीट कर गांव चल गए हैं। थाना पर मैं गई थी महिला थाना पर सहयोग के लिए, महिला थाना की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। उल्टा मुझे बोला जा रहा है कि पति से आप डिवोर्स ले लीजिए, जबकि मैं ये नहीं चाहती, मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ। थाना से ये भी बोला गया है कि आप लोग 6 महीने अलग अलग रहिए, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति आए, मुझसे बात करे और अच्छे से फिर से हम जैसे थे वैसे हो जाए। अगर नहीं आते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। आपको क्यों छोड़ दिया? वो झगड़ा होने के बाद मारपीट किए और उसके बाद चले गए, और मुझे धमकी भी दिया जा रहा है कि या तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या तो मैं तुम्हें छोड़कर मैं दूसरी शादी कर लूंगा। झगड़ा का कारण क्या था? झगड़ा का कारण वही रात को 2-3 बजे तक बात करना उनका रहता था, तो मैं एक दिन अचानक से उठी, मैंने पूछा कि किससे बात कर रहे हैं, तो अचानक से घबरा गए। उनके फोन से मैंने नंबर भी अपने फोन पर सेव कर लिया है, और वो बात पूछते हैं कि आप रात 2-3 बजे तक किससे बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि हम दोस्त से बात करते हैं। तो हम पूछे कि कोई दोस्त ऐसा नहीं होगा कि जो रात 2-3 बजे तक ये हो, तो इसी कारण से वो पूछने पर ही मुझे मारपीट करते थे और बहुत मारे। इसके बाद वो मुझे छोड़कर चले गए। कब हुआ है, कब छोड़ गए थे? ये हुआ है मेरा 2 दिसंबर को मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया था। फिर उसके बाद वही 10 से 15 अक्टूबर के बीच में हुआ है, और इससे पहले मैं जब शादी करके गई थी, फिर कुछ महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी, फिर 7 महीने का बच्चा, लॉकडाउन के दौरान 7 महीने का बच्चा मेरे सास ससुर के कहने पर मेरे हस्बैंड मारते थे पेट पर, जिसकी वजह से बच्चा मिसकैरेज हो गया है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम अगर वो उनको अच्छा से बुलाया जा रहा है, अगर वो आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। बस महिला थाना आपको कितना सहयोग किए? महिला थाना से अगर सहयोग किया होता तो हमको एसएसपी ऑफिस नहीं आना होता। कब हुआ था शादी? शादी मेरा 5 जनवरी 2020 को मेरा शादी हुआ था। कहाँ? रानी गुप्ता, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण संगठन के प्रदेश महासचिव एवं सृष्टि महिला विकास समिति की अध्यक्ष। क्या मामला है?
ममता ओझा मेरे पास 20 दिन पहले आई और मुझसे कह रही थी कि मैडम मैं थाना बहुत बार दौड़ रही हूँ, महिला थाना में जाती हूँ तो मुझको गाड़ी गलौज करके भगा दिया जाता है और कहता है कि तेरे पति को बुलाने का मैंने ठेका लिया है क्या। तो सरकार आज ही प्रशासन है, किसके किसके लिए है, पब्लिक के लिए है ना, तो पब्लिक किसके पास जाएगी, हमारा कहना ये। तो ममता ओझा से मैंने कहा लिखित के रूप में आप मुझे दीजिए, तो लिखित के रूप में सारी बातों को लिख कर दी। और मैं एक केस नहीं, इस केस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भी अपने ऑफिस में केस देखती हूँ, जितना भी कंप्लेन महिला थाना से आता है सब यही कहते हैं कि महिला थाना वाला मैडम एकदम हमारा सुनता नहीं है। और ऐसे महिला थाना प्रभारी का मेरे ख्याल से रहने का यहाँ जमशेदपुर में अधिकार है। क्या नाम है महिला थाना प्रभारी का? टिग्गा मैडम नाम। अभी आप क्या करने जा रहे हैं? अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस पीड़िता महिला को न्याय मिले, जो 6 महीने से इसे दौड़ाया जा रहा है, यहाँ तक कि नीचे के लोग भी जो होते हैं वो भी इसको धमकी दे रहा है कि तुम 6 महीने पति से अलग रहो। अरे प्रशासन क्यों बोलेंगे, प्रशासन क्यों एक महिला को बोले कि 6 महीने अलग रहे, ये पति के साथ रहना चाहती है, ये पति को बुलाया क्यों नहीं जा रहा, मैं ये जानना चाहती हूँ। अभी SSP के यहाँ आए हैं, किसका शिकायत की आप? मैं SSP साहब के यहाँ आकर यही शिकायत की हूँ कि इस महिला को न्याय मिले, इसके पति को बुलाया जाए, और मैं थाना प्रभारी के खिलाफ भी मैंने शिकायत की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। नमस्कार।